हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ रोटी, बासी रोटी की कुछ अच्छी सी डिश बनाने, जो आप लोग को ब्रेकफास्ट जो आप लोग को बहुत ही काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं दो रोटी ली हुई हूँ, इनको आप सीजर की सहायता से कट करेंगे। कट करके मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से आप भी इस तरह से सीजर से लंबा लंबा शेप में आप भी इस तरह से कट कर लें। कुछ मैंने कट किया, कुछ आप लोगों को कट करते हुए मैं दिखा रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी कट कर लें। उसके बाद में मैं इसे फ्राई करूँगी अच्छे से तेल या रिफाइन में आप भी फ्राई करें। तो चलिए, ये सारे अब कट चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने ये कट कर लिए हैं सारे रोटियों को। बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट बनने वाली है ब्रेकफास्ट है, आप लोग भी बना, बहुत हेल्दी होता भी है। आप देख सकते हैं मैंने 1 से 2 चम्मच के लगभग, बड़ी स्पून से 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें रिफाइन डाल दिए थे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं अच्छे से रिफाइन। आप इसे घी में भी बना सकते हैं इस तरह से, सबको डालते हुए मैं इसे डाल दूँगी और इसे आप भूनते रहें। बारह पूरी तरह से अच्छे से पकता और खड़ी हो जाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह इसी स्टेप से आप लोग इसे बनाए और जब अच्छे से दोनों तरफ से देखें पिंक कलर का हो रहा है, इसी तरह से आप ही इसे पिंक होने तक उन्हें चल देना इसे और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सबको भून लिया। देखिए हमने कहीं कितने कुरकुरे से लग रहे हैं, इतने अच्छे इसके ब्रेकफास्ट बनते हैं कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। अब आप इस पर थोड़ा सा ये मैंने चाट मसाले डाले हैं, इस तरह से आप भी थोड़े से चाट मसाले चुटकी के लगभग, तीखा अगर अधिक पसंद हो तो आप तीखा। लाल मिर्च मैंने ऐड किए हैं चुटकी भर के लगभग, आमचूर पाउडर आप थोड़े से डाल दें इसमें, चुटकी भर के लगभग मैंने आमचूर पाउडर ऐड किए हैं। इसी तरह से आप भी करें, थोड़े से मैंने इसके ऊपर खस्ता डाल दिए हैं, इस तरह से आप भी डालें। और मैंने नमकीन डाल दिए हैं, अगर आपको मीठा पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस को मैंने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आधी चम्मच के लगभग आप सोया सॉस डाल दें, चाट मसाला डाल दें, इस तरह से सारे कुछ डाल करके काला नमक मैंने ऐड किया है। देख सकते हैं मैंने चुटकी भर के लगभग ही काला नमक का भी यहाँ इस्तेमाल किया है। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे, इस तरह से देखिए ये सुनने में ही आप लोग को आवाज़ ही इसकी मिल रही होगी, कितने फंसते और टेस्टी बने हैं। बन देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। तो इसे बनाना तो बनता है, आप लोग भी इसे इसी तरह से बना और इंजॉय करें। कैसा बना मुझसे शेयर करें और अपने बच्चों को लंच में भी आप ये दे सकते हैं नाश्ते में। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट है, आप लोग प्लीज़ इसे बनाएं। और कैसा लगा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू। धन्यवाद।